ए बिगन अ बिजनेस विद रुपीज 75,000, बी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम्स विद रुपीज 37,500. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एंड द शेयर शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, तो देखिए ए है, बी है. ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 75,000, क्वेश्चन में गिवन है, और बी ने किया 37,500. ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रहा है, तो ए ने कितना किया, तो ए ने तो प्रॉपर शेयर किया है, तो ए ने 12 महीने के लिए वो किया. ओके, और बी ने कितना में किया वो पता नहीं है, वो मंथ मुझे फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, ये तो रेशियो है, रेशियो को कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, और 375 जो 375, यहाँ पे और एक जीरो है, 375 जो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2 = 24, और ये आ जाएगा एक्स. ओके, तो ये दोनों का क्या है, प्रॉफिट ऑफ शेयर भी दिया है, तो 24/x = प्रॉफिट ऑफ शेयर क्या दिया, 3:1 का. तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x = 24, यानी कि x = मेरा क्या आ जाएगा, x = 3 × 1 = 3, 8 आ गया. अब ये 8 आंसर नहीं होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बोला है, 8 मंथ के लिए, हाउ मैनी मंथ्स, टोटल कितना मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 मंथ के लिए क्या बी ने इन्वेस्ट किया था. ओके, ऑप्शन ए होगा.